नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केविन कोरोडिया। दोस्तों आज हुआ भी और ओनर जो भी बोल दो आप, हुआ भी ओनर इसने एक ऐसा शर्मनाक काम किया कि वीडियो बनाते वक्त ही मुझे बहुत बड़ा गुस्सा आ रहा है। कुछ डेटा का, कुछ प्राइवेसी का नहीं है, कुछ अलग ही है सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में। और अगर आप ओनर प्ले स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो आप वीडियो से आप कहीं मत जाना, चिपके रहे, क्योंकि वीडियो आपके लिए तो बहुत खास होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करें तो फिर चलिए। दोस्तों अगर हुआ भी ओनर का स्मार्टफोन यूज़ करते हो या कोई भी कंपनी का स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। ऐसा नहीं कि हुआ भी ओनर का स्मार्टफोन यूज़ करो यूज़र ही ये वीडियो को देखे, सभी यूज़र्स देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ खास बात है। और इनके पीछे का क्या मकसद है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा वीडियो में। पहले कह रहे थे कि सिर्फ पूरा सीन किया हुआ है कि जो जिससे मुझे ब्रांड में बहुत गुस्सा आया है। तो यहाँ पे आया हुआ भी मेट 8 से का सीन हुआ है। हुआ भी मेट 8 हुआ भी ने लॉन्च किया था 2015 में, जो 5 साल हो गए हैं। उस पर आज अगस्त का सिक्योरिटी पेच के साथ बैटरी का अपडेट मिला है। और ये जब लॉन्च हुआ था तब उसको EMUI 4 पे आया था, एंड्रॉयड 6 पे भी, तो एंड्रॉयड 7 का भी अपडेट मिला, एंड्रॉयड 8 का भी अपडेट मिला, और लगातार अपडेट मिलता रहा है 5 साल तक। तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। हुआ भी मेट में आपको अपडेट मिलता रहता है रेगुलरली। लेकिन दिक्कत वहाँ पर आ जाती है, उनकी पेरेंट्स कंपनी है, उनका बच्चा बोल दो, इनका भाई बोल दो, ओनर। ओनर दोस्तों अभी 2 साल पहले ही कई स्मार्टफोन हुए, 2 साल उनके लॉन्च किए हुए, और उसमें भी दोस्तों एंड्रॉयड का अपडेट नहीं मिला और कोई भी ज़्यादा कोई फीचर के साथ अपडेट देखने को नहीं मिलता। अगर मैं आपको एग्जांपल फॉर दूँ तो ओनर प्ले स्मार्टफोन 2018 में लॉन्च हुआ था, क्रीन 970 फ्लेक्सिबल लेवल का प्रोसेसर, एंड्रॉयड 8 के साथ लॉन्च हुआ था, लेकिन एंड्रॉयड 9 का अपडेट मिला, एंड्रॉयड 10 का अपडेट नहीं मिला। और पिछले 3-4 महीने से कोई बड़ा अपडेट नहीं मिला। 2-3 दिन पहले एक अपडेट मिला, वो भी बैटरी का साथ, लेकिन 4 GB का अपडेट और कुछ है नहीं खास, बैटरी और सिक्योरिटी पेज के सिवाय कुछ। और यहाँ पे उनकी पेरेंट कंपनी हुआवे 5 साल तक स्मार्टफोन में अपडेट देती है, तो ऐसा क्यों है? हुआवे अपने जो भी फ़ोन होती है उसमें ज़्यादातर अपडेट देती है, और ओनर अपने स्मार्टफोन में अपडेट नहीं देती है। दो साल हो गए तो अपडेट देना बंद। और एंड्रॉयड का तो एक ही बार अपडेट देती है। और क्या का रीज़न क्या हुआ कि ड्यू टू लिमिटेशन हार्डवेयर ओनर प्ले में, अगर भाई घंटा लिमिटेशन हार्डवेयर, किरिन 970 फ्लेक्सिबल का प्रोसेसर है, और उसी में साथ कंपेयर करूँगा हुआ भी P20 को, उनके डाउनग्रेड का प्रोसेसर है, किरिन 970 से डाउनग्रेड का प्रोसेसर है। ओनर प्ले से पहले लॉन्च हुआ था, एंड्रॉयड 8 का अपडेट मिला, एंड्रॉयड 9 का अपडेट मिला, एंड्रॉयड 10 का अपडेट मिला, और अभी लगातार अपडेट मिलते ही रहते हैं। तो ऐसा क्यों है? दोनों एक ही माँ के बच्चे हैं या दोनों एक ही कंपनी है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एक अपडेट जाती है और एक अपडेट नहीं देती है? दोस्तों वीडियो बनाने का पीछे का मेरा मकसद यही है कि ज़्यादातर लोग हुआ भी ओरन के स्मार्टफोन तो अभी इंडिया में लेते ही नहीं, क्योंकि इसमें GMS होता ही नहीं है, और हुआ भी के तो कहीं स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होते नहीं थे। लेकिन कहीं भी ऐसे लोग हैं जो ओरन के स्मार्टफोन अभी भी ले रहे या लेने की आप सोच रहे हो, तो पहले मैं आपको मना करूँगा कि इस ब्रांड को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं भी हुआ भी ओरन का स्मार्टफोन यूज़ कर चुका हूँ और अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे पता है इस ब्रांड में कितना भरोसा है, क्या सच्चाई है इस ब्रांड के बारे में। तो अगर लेकिन भी आपको हुआ भी ओरन का स्मार्टफोन ही लेना है तो पर्टिकुलर हुआ भी का स्मार्टफोन लीजिए। अगर इंडिया में लॉन्च हो गए आपको लेना है तो ओनर के स्मार्टफोन के साथ आप बिल्कुल मत जाइए, कि इसमें आपको सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिलेगा। क्योंकि जो दोस्तों जो नॉर्मल लोग होते हैं वो अपने स्मार्टफोन लेते हैं 4-5 साल तक, हर अच्छी तरह से स्मार्टफोन चले, उसमें अपडेट मिले, कोई भी लैग ना मिले, बैटरी अच्छी मिले। लेकिन यहाँ पे ओनर के 2 साल हो गए और बैटरी की प्रॉब्लम आ जाएगी और कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, अपडेट नहीं देगा एंड्रॉयड का, लैग देखने को मिलेगी, तो ऐसा सब होता है स्मार्टफोन में। और इस टॉपिक के बारे में दोस्तों कोई बड़े यूट्यूबर भी बोलते नहीं है, वरना भी कुछ हो सकता है, मेरे जैसे कुछ छोटे यूट्यूबर बोलते रहते हैं इस वीडियो में, इस वीडियो बनाते रहते हैं इस अपडेट के मामले। मैंने पहले भी बहुत सारे अपडेट बनाए हुआ के मामले में, उसको अपडेट देना चाहिए। सैमसंग ने अच्छा काम किया, 3 साल तक आपको लगातार अपडेट मिलेगा कोई भी स्मार्टफोन। सभी ब्रांड को यही करना चाहिए कि 3 साल तो मिनिमम कंपलसरी आपको अपडेट देना ही पड़ेगा, वरना आपको अपने स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करना बंद कर दो भाई। और हुआ भी को अच्छा हुआ US में बैन कर दिया, इसी से वर्कआउट करता रहता है इसीलिए बैन किया है। बस दोस्तों यही थी आज की वीडियो, थोड़ा पर्सनल हो गया हुआ भी ओनर की तरफ से, क्योंकि काम ही ऐसा किया है। तो बस दोस्तों अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कोई भी सुझाव कोई भी क्वेश्चन है जो कमेंट में डाल लेना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में लाता रहता हूँ। जो आज वीडियो लाया हूँ वैसे ही मैं कहीं मुद्दों पर आवाज़ उठाता हूँ, क्योंकि ब्रांड तक जो मेरा वीडियो पहुँचे है, कभी भी पहुँच गया तो उसको भी पता चले कि एक ऐसा प्रॉब्लम आ रही है यूज़र्स को, इसको ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।